हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आप अपना स्कॉलरशिप या अपना PFMS द्वारा पैसा चेक करते होंगे, या आपका कोई भी सरकारी पैसा जैसे पेंशन या स्कॉलरशिप आप PFMS से आप जरूर चेक किए होंगे, कभी भी चेक किए होंगे, लेकिन इसमें नो रिकॉर्ड फॉर्म बताता होगा। ठीक, तो उसकी जो प्रॉब्लम है नो रिकॉर्ड फाउंड या तरह तरह की समस्या, OTP मोबाइल OTP जो अब आ रहा है कि एक मोबाइल नंबर आपको डालना पड़ेगा जो आपका फीड हो, कन्फ्यूजन है कौन सा मोबाइल नंबर डालें और कैसा मोबाइल नंबर डालें जिससे कि हमारा कोई देखने में दिक्कत हो, तो वो सारी प्रॉब्लम इसमें आज फिक्स होगी। और आप यूट्यूब पर बहुत सर्च कर चुके होंगे यूट्यूब पर कि आपका स्कॉलरशिप कैसे चेक करें, तो स्कॉलरशिप कैसे चेक करें इसको आपने सर्च किया होगा, तो आपको बहुत सारे देखने को मिले होंगे। ठीक, तो आज हम नई चीज़ बताते हैं जिस पे आप स्कॉलरशिप ही नहीं चेक करेंगे, पेंशन ही नहीं चेक करेंगे, आप अपने ग्राम सभा की कोई भी चीज़ें चेक कर सकते हैं, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री सारी चीज़ें आप इस पर चेक करेंगे। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें, सारी चीज़ें आपकी समझ में आ जाए। हम आपको लाइव करके दिखाएंगे और आपको इसमें हम ये एक अकाउंट चेक करके दिखाएंगे स्कॉलरशिप आया है कि नहीं, और सारी चीज़ें सारे फंक्शंस इसमें दिखाएंगे इस ऐप के बारे में। तो ऐप को आपको कैसे डाउनलोड करना है उसके बारे में हम बताते हैं, क्या करना है कि आपको सबसे पहले अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, आपको सब्सक्राइब करने में कोई पैसा आपका नहीं लगेगा। ठीक है, आप ज़रा सा भी दिक्कत ना समझें, अगर आपको वीडियो ख़राब लगे तो डिसलाइक कर दें। ओके, चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। मैं संतोष कुमार पटेल और आप देख रहे हैं टेक्नो प्लस स्टडी चैनल, जिस पर हम एक स्टूडेंट से रिलेटेड वीडियो डालते हैं। स्टूडेंट को ज़रूरी होता है स्टडी और कुछ टेक्नोलॉजी, तो वही वीडियो हम डालते हैं और न्यूज। ठीक, चलिए पहले हम आपको जाना है प्ले स्टोर में, तो हम चलते हैं अपने प्ले स्टोर में। हमारा ये मोबाइल का ये आप इंटरफेस देख रहे हो किस चीज़ तरह से है, जैसे कंप्यूटर होता है, तो कंप्यूटर तरह इंटरफेस बनाने के लिए इसकी हम आप कमेंट करिएगा तो हम इसका वीडियो बना देंगे, नहीं तो आपको प्ले स्टोर में जाना, हमें अपने प्ले स्टोर में हम जाते हैं। तो प्ले स्टोर हमारा ओपन हो रहा है, हमें इसमें सर्च करना है उमंग। ठीक, ये आ जाएगा उमंग, जैसे लिखेंगे आपका उमंग आ जाएगा। इस ऐप को देखिए, इस ऐप को हमने इंस्टॉल किया, हमारा ओपन बता रहा, आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। ठीक, ओपन करेंगे, इंस्टॉल जैसे हो जाएगा तो ओपन करेंगे तो आपका इंटरफेस कुछ इस तरह से होगा, इस तरह से। तो आपको एक मोबाइल नंबर मांगेगा, आप मोबाइल नंबर दे दीजिएगा अपना, कोई भी जो नंबर आप लगाए हों अपने मोबाइल में उस नंबर को आप इसमें इंटर कर दीजिएगा, लॉगिन कर लीजिएगा, साइन अप कर लीजिएगा। ठीक है, OTP द्वारा आपका मोबाइल से लॉगिन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आप कर लीजिए। इसको हम कर चुके हैं क्योंकि टाइम लगे। यहाँ पर देखिए आपको बहुत सारे फंक्शंस मिलेंगे, नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर एक से बढ़ के एक फंक्शन, फार्मर्स के बारे में, इस सोशल स्क्वायर स्टूडेंट के बारे में, वुमेन यूथ स्केल, सर्टिफिकेट्स आपको मिलेंगे, एजुकेशन से रिलेटेड, फाइनेंस, हेल्थ संबंधी, पुलिस एंड पब्लिक ग्रीवेंस और राशन कार्ड से रिलेटेड, और उसके बाद आपको सोशल जस्टिस, न्यायालय संबंधी रिलेटेड चीज़ें, ट्रांसपोर्ट आप समझ सकते हैं, टूरिज्म और जनरल कुछ चीज़ें। ठीक, आप इसमें सर्च कर सकते हैं। उसके बाद आप कुछ यहाँ पर फ्लैक्सी स्कीम जो होती हैं ये आपको इम्पोर्टेंट रखता है। यहाँ पर देखिए आयुष्मान भारत आपको इसमें मिलेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना चीज़ें और प्रधानमंत्री जनधन योजना। उसके बाद आपका इधर और है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, सौभाग्य, स्वच्छ भारत अभियान, उसके बाद टेलीग्राम रेगुलेटरी, ये सारी चीज़ें इसमें आपको देखने को मिलेंगी। ठीक, तो इस ऐप पर आपको ऐसा नहीं है कि क्या और नया क्या क्या आया वो भी आप जान सकते हैं, ई गोपाला, कोविन और PMEGP, डिपार्टमेंट ऑफ सिविल, तरह तरह चीज़ें इसमें आपको, ये आपको गवर्नमेंट सरकार द्वारा बहुत ही अच्छी चीज़ें आपको प्रोवाइड करवाएगा इस ऐप में। तो हम चलते हैं मेन मुद्दे पर, मेन मुद्दा हमारा है कि हम चेक कैसे करेंगे पेंशन या स्कॉलरशिप। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर सर्च आपको बॉक्स दिखाई दे रहा होगा, ऊपर सर्च करेंगे, इसमें सर्च करना है PFMS, वहाँ से देख रहे थे हम PFMS ऐसे सर्च करेंगे, तो इसको हम यहाँ पर सर्च कर लेंगे।
जब सर्च करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, देखिए 4 रिजल्ट आपका आ गया, 4 रिजल्ट आ गया है। तो क्या करना है, यहाँ पर देखिए PFMS यहाँ है, डायरेक्ट PFMS के लिए तो PFMS खुलेगा, नहीं तो आपको अपना पेमेंट ही जानना, तो यहाँ से क्लिक करके ऑटोमेटिक तुरंत वहीं पर ऑप्शन मतलब पर्सनल उसी ऑप्शन पर जाएंगे, यहाँ से क्लिक करेंगे तो उसी ऑप्शन पर आपको जाएंगे, अगर PFMS क्लिक करेंगे तो उस वेबसाइट मतलब उस टैब को हम खोल लेंगे। तो हम चलते हैं नो योर पेमेंट को ओपन करते हैं, नो योर पेमेंट पर हम टच किए तो हमारा कुछ इस तरह से ओपन होगा। हमें यहाँ पर अकाउंट नंबर इंटर करना है, हम अपना अकाउंट नंबर इंटर कर देते हैं। ठीक, चलते हैं अकाउंट नंबर इंटर करते हैं, वीडियो को पॉज करते हैं। यहाँ पर हम सारी चीज़ें इंटर कर दिए हैं, आप देख सकते हैं अकाउंट नंबर, अपना बैंक सिलेक्ट कर लीजिए, यहाँ पर बीच में बैंक आपको सिलेक्ट करना है, इस जगह आपको बैंक सिलेक्ट करना है, बैंक आपको दो चार कैरेक्टर्स लिखेंगे बैंक आपका सिलेक्ट आ जाएगा, नीचे आप क्लिक करके बैंक सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर कुछ लिखेंगे तो वैसे आपको बैंक सिलेक्शन आ जाएगा। और यहाँ पर अकाउंट नंबर अपना भर दीजिए, यहाँ पर मोबाइल नंबर कोई भी मोबाइल नंबर भर दीजिए, वैसे जो खाता में लगा हुआ वाला भर दीजिए अच्छी बात है, नहीं तो भर दीजिए कोई भी। अब यहाँ पर सबमिट कर दीजिए, और जैसे ही सबमिट करेंगे तो कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। हमने सबमिट किया तो यहाँ पर दो ऑप्शन आ रहा है, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम OBC और UP 14 फाइनेंस कमीशन, दोनों एक ही चीज़ है, दोनों स्कीम मतलब स्कॉलरशिप से रिलेटेड है। तो स्कॉलरशिप अब की बार आई है कि नहीं आई है या पिछले साल की, ये चीज़ें हम इस पर टच करके देखते हैं। जैसे हम इस पर ऊपर वाले ऑप्शन पर प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप, तो यहाँ पर देखिए बैकवर्ड क्लास वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से आपका स्कॉलरशिप यहाँ पर 1 जनवरी 2020 को प्राप्त होती है, यानी पिछले साल की है ये स्कॉलरशिप। इस साल की भी जिसकी आई होगी अभी, ये इस पर स्कॉलरशिप और नहीं आई है इसलिए नहीं दिखाई दे रहा, जिसका आएगा यहाँ पर बता देगा। स्कोर ओपन करेंगे तो आपको पैसा भी दिखाई देगा, ठीक है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है सारा चीज़, देख लीजिए अकाउंट नंबर, बैंक नेम, बेनिफिशरी नेम और अमाउंट कितना है, बैंक नेम, सारी चीज़ें, बैंक ट्रांजेक्शन डेट वो चीज़ दिखाई दे रहा है, अमाउंट यहाँ पर दिखाई रहा है और किस पर्पज़ से, UTR नंबर, ट्रांजेक्शन ID, सारी चीज़ें, ऊपर आपका नाम बता देगा बैंक किस डिपार्टमेंट से है, कौन सी डेट को, अकाउंट नंबर का, बैंक का नाम, बेनिफिशियरी का नाम, सारी चीज़ें मिल जाएगा आपको। तो यहाँ से आपको PFMS से जो पेंशन है तो पेंशन भी इसी तरह से आपको यहाँ पर ऑप्शन, जो यहाँ पर दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं यहीं पर ऑप्शन आपको मिलेगा। तो इस तरह से आप PFMS को आप अच्छी तरह से देख सकते हैं और सारी चीज़ें देख सकते हैं। जैसे बैक चलते हैं हम और चीज़ें देख सकते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर मिलेगी देखने को, यहाँ पर आप देख सकते हैं जिसे हमने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में जैसे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ इससे रिलेटेड चीज़ें हमको देखने को मिलेंगी। ठीक, यहाँ प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में पूरा खुल गया है। तो फ्रेंड्स वीडियो में इतना ही था, और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, ना लगे अच्छा तो डिसलाइक कीजिएगा, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हम स्टूडेंट से रिलेटेड सभी वीडियो डालते हैं, जैसे स्टूडेंट को 5 से लेकर के हम 12 तक की तैयारी के लिए सभी इंपॉर्टेंट वीडियो, उसकी तैयारी के लिए उसके सारे विषय के कैसे क्या बेसिक चीज़ें हम जानकारी सिखाते हैं, अंग्रेजी गणित की हम बेसिक जानकारी पूरा देते हैं। उसके बाद एक स्टूडेंट को मोबाइल कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी संबंधी हम छोटी छोटी जानकारी देते हैं, मोबाइल को ऑपरेट और कंप्यूटर को ऑपरेट कैसे किया जाता है, और हम न्यूज़ जो भी स्टूडेंट को होते हैं एक स्टूडेंट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन हम डालते हैं। आप इस चैनल पर आप स्टूडेंट अपने बच्चे को जोड़ सकते हैं, खुद भी जुड़ सकते हैं, आपको अच्छी जानकारी मिलेगी। जैसे जैसे आप हमारी हेल्प करेंगे हम चैनल को अच्छे से ले जाएंगे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, फिर मिलेंगे टेक्नो प्लस हिस्ट्री चैनल पर, बने रहिए।